Hello guys, welcome back to our channel. Today I am going to explain most important CPC exam questions. Whatever I am going to explain CPC questions, already these all are the directly indirectly came in previous CPC exams. So be alert and make notes. Don't miss these questions guys, because these all are the repeated questions. So without wasting time, I am going to start. Okay, so let's start. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन है हॉर्नर सिंड्रोम गाइज, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है. ओके सो इसे कैसे सर्च करते हैं हम लोग देखते हैं. तो एग्जाम के समय हम लोग बुक यूज करते हैं, राइट, ICD-10-CM बुक यूज करते हैं. तो उसी मेथड से मैं बताता हूँ. सबसे पहले हम लोग सिंड्रोम में जाएंगे, सिंड्रोम हमारी मेन टर्म है. ओके और उसके बाद हम लोगों को दिखेगा हॉर्नर्स. सो हॉर्नर्स के सामने कोड रहेगा G90.2. सो हॉर्नर सिंड्रोम का कोड है G90.2. नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एक्यूट अपेंडिसाइटिस विद जनरलाइज पेरिटोनाइटिस. ओके इसका कोड है K35.20. ओके देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है प्रेशर अल्सर ओपन स्पेसिफाइड एल्बो स्टेज 4. ओके इसका कोड आता है L89.004. सो हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, सपोज स्टेज अनस्टेजेबल रही तो 000 जाएगा. ओके स्टेज 1 रहा तो 1, स्टेज 2 रहा तो 02, स्टेज 3 रहा तो 03, स्टेज 4 रहा तो 04. ओके नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये डायबिटीज मेलाइटस विथ रेटिनोपैथी बहुत बार पूछा है. ओके E11.319 इसका कोड है. ओके सो अपने इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे है, इसका बेसिक भी बताया है, चैप्टर स्पेसिफिक गाइडलाइन भी बताई है और बुक में से कैसे कोड फाइंड करते हैं वो भी बताया. तो एक बार आप लोग वो प्रीवियस वाले वीडियोस देखिए. ओके सो बेसिक पक्का होगा तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस ऑटोमेटिक बुक में से सर्च करने आएंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया अनस्पेसिफाइड. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है D51.9. सो इसको सर्च कैसे करते हैं, सबसे पहले एनीमिया में जाएंगे. ओके बाद में डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी के अंडर में विटामिन B12 NOS रहेगा, उसके सामने कोड है D51.9. ओके सो ऐसे सर्च करते हैं. एग्जाम के समय पे हम लोगों को स्किल की इंपॉर्टेंट है, स्किल हम लोगों को पता है कि कैसे सर्च करना है, तो हम लोग टाइम बचा के ये कोड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, ये भी इम्पोर्टेंट है गाइज, इम्पेंडिंग मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन विथ अनस्टेबल एंजाइना, इसका कोड है I20.0. देन नेक्स्ट कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, ओके इसका कोड है I50.20. ये इम्पोर्टेंट है. ओके बहुत बार पूछा है, सो इसके लिए हम लोग फेल्यूर में जाएंगे. ओके फेल्यूर मेन टर्म है और सब टर्म है हार्ट, कंजेस्टिव हार्ट. सो हम लोगों का कोड आएगा I50.20. देन नेक्स्ट एट्थ, फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ अल्ना एंड रेडियस नॉन यूनियन, इसका कोड है S50.209 S52.309K. ओके सो गाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा. ओके सो अभी तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि एक्चुअली हम लोग बुक में कैसे सर्च करेंगे. ओके सो किसी भी क्वेश्चन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप पर्सनली भी मेरे से चैट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके सो हम लोगों को 50 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ICD-10 के 50 क्वेश्चन हम लोगों को इस एक ही वीडियो में डिस्कस करना है. सो मैं फटाफट आप लोगों को आंसर बताता हूँ. ओके सो आप लोगों को क्या करना है, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक बार बुक में जाके देखना है. जितना आप लोगों को सर्च करना आता है उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जो CPC एग्जाम रहती है वो टाइम के बेस पे ही रहती है. ओके जिसको टाइम मैनेज करना आया वो एग्जाम
पास कर लेता है ओके, क्योंकि फाइनली वो ओपन बुक रही थी तो ऑब्वियसली हम लोगों को स्किल की जरूरत है वहाँ पे ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फेनफुल मैक्चुरेशन अनस्पेसिफाइड, इसका कोड है R30.9 ओके। तो इसको कैसे सर्च करेंगे, इसमें मेन टर्म है मैक्चुरेशन, मैक्चुरेशन में जाएंगे उसके अंडर में पेनफुल रहेगा ओके, पेनफुल में के सामने हम लोगों को R30.9 मिलेगा ओके। सपोज हम टेबुलर लिस्ट में R30.9 को देखते हैं तो उसमें अनस्पेसिफाइड और स्पेसिफाइड वाले भी कोड हम लोग चूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायबिटिक केटो एसिडोसिस विथ इंसुलिन पम्प फेलियर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यस। T85.696A E11.10 ओके ओके। सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 11th, लैटरल एपिकोंडिलाइटिस राइट एल्बो ओके। सो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ओके सो इसका मेन टर्म है एपिकोंडिलाइटिस सो और इसका सब टर्म है लैटरल, उसके बाद हम टेबुलर लिस्ट में जाएंगे और राइट एल्बो देखेंगे। राइट एल्बो में हम लोगों को कोड मिलेगा M77.12 ओके। देन नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, रिबाल रप्चर ऑफ प्रेगनेंसी ओके। सो दो तीन दिन पहले ही मैंने एक प्रेगनेंसी चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन का वीडियो अपलोड किया है, सो उसमें पूरा A to Z एनाटोमी चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन, हाउ टू सर्च प्रेगनेंसी कोड्स ओके। सो एवरीथिंग विल आई एक्सप्लेन्ड इन दैट वीडियो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, पोस्ट प्रोसीजरल हाइपोटेंशन ओके। सो हाइपोटेंशन एंड पोस्ट प्रोसीजरल हाइपोटेंशन, सो इसका कोड डायरेक्टली मिल जाएगा I95.81 ओके। देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, DMI विथ मैकुलर इडिमा, सो ये भी रिपीट हुआ है ओके, इडिमा रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। सो इसका कोड है E10.311 ओके। देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सोलर यूर्टिकेरिया ओके। सो यूर्टिकेरिया रिलेटेड एनाटोमी रिलेटेड कुछ तो पूछा था ओके, सो एनाटोमी में ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन समटाइम्स ये ICT में भी जब बड़े बड़े सिनेरियो रहते हैं ना उस समय पे इसका ये कोड का यूज होता है ओके। सो हम लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे सर्च कर दे, यूर्टिकेरिया ये मेन टर्म है और बाद में उसके अंडर में सोलर मिलेगा और हम लोगों को कोड मिलेगा L56.3 ओके। सो यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोगों को हर क्वेश्चन का यूज होने वाला है, सो हम लोगों को इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा राइट। देन 16th क्वेश्चन, बारबिट्यूरेट एब्यूज एंड एंजाइटी, इसका कोड है F13.180। देन नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, इंसिजनल हर्निया विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन ओके। सो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ओके। सो इसको कैसे सर्च करना है मैंने आप लोगों को बाजू वाली पिक्चर में शो किया है, इसका कोड है K43.2 ओके। देन नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एट 3 weeks ऑफ जेस्टेशन ओके, LOS 3 days ओके। सो इसका कोड है O42.113 एंड उसका 3 week ऑफ जेस्टेशन का कोड जाएगा Z3A.36 ओके। सो ये भी कोड हम लोगों ने देखे। 19th क्वेश्चन, लिम्फेजिटाइसिस ओके। सो इसका कोड है I89.1, डायरेक्ट कोड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेप्सिस, सेप्सिस विथ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्यूर, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सीरीज इम्पोर्टेंट है ओके। सीरीज गलत हो गया तो फिर आंसर रॉन्ग होगा। सो E41.9, R65.20, J96.00 यही सीरीज में आंसर होना चाहिए ओके। देन नेक्स्ट 21th क्वेश्चन गाइज, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ओके। हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज विदाउट हार्ट फेल्यूर
ओके सो इसमें मेन टर्म है हाइपरटेंशन या हाइपरटेंसिव, ओके उसके अंडर में हम लोगों को सब टर्म मिलेगा हार्ट, ओके और हार्ट के सामने एक कोड मिलेगा IL-1.9 जो अनस्पेसिफाइड है, ओके सो IL-1.9 इसका आंसर है। देन नेक्स्ट 22 वायरल निमोनिया J12.9, ओके बड़े बड़े सिनेरियो में इसका यूज़ होता है जनरली। देन नेक्स्ट 23 क्वेश्चन एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलिटिस अनस्पेसिफाइड, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है J03.00, ओके सो रिपीटेड क्वेश्चन है। स्ट्रेप्टोकोकल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस मिला तो आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए, ओके। देन नेक्स्ट 24 COPD, ओके COPD रिलेटेड भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ओके इम्पॉर्टेंट है। COPD विद द मॉडरेट अस्थमा, इसका कोड है J44.9। देन 25th लीवर डिजीज अनस्पेसिफाइड K76.9, ओके ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। 26 SIRS विद द हिपेटिया फेलियर K72.00। देन 27 अनस्पेसिफाइड इंजुरी ऑफ लीवर इनिशियल इनकाउंटर, इसका कोड है S36.119A। देन 28 एड्स विथ कॉम्प्लेंस ऑफ पोस्ट ट्रोमेटिक यूनिलैटरल ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ राइट नी, इसका कोड है M17.31 एंड B20, ओके सेकेंडरी कोड जाएगा। देन नेक्स्ट 29 सोमनोलिन्स, ओके सो इसका कोड है R40.0। देन एक्यूट क्रोनिक सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर, ओके सो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कोड है I50.23। देन नेक्स्ट 31 एनीमिया अनस्पेसिफाइड, इसका डायरेक्ट कोड है D64.9। देन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 32 पोलियो वायरस मेनिनजाइटिस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है E80.9, सेकेंडरी कोड आएगा Q02, ओके। देन 33 कैंडिडियासिस ऑफ स्किन एंड नेल B37.2, ओके सो कैंडिडियासिस इज अ मेन टर्म। देन 34 फिस्टुला ऑफ अपेंडिक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसका कोड है K38.3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 35 COPD विद एक्यूट एग्जर्सिबेशन, ये तो आपने सुना ही होगा, ओके सो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका कोड है J44.1, ओके ओके सो देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्रोनिक एंडोकार्डियाइटिस, ओके सो एंडोकार्डियाइटिस मेन टर्म है, ओके सो डायरेक्ट कोड है इसका I38। देन 37 ओके इसका आंसर है C56.9, C78.7, R91.8। देन नेक्स्ट 38 क्रोनिक एट्रियल फिब्रिलेशन अनस्पेसिफाइड, ओके सो इसका कोड है I48.20। देन नेक्स्ट 39 एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन विथ वोमिटिंग, ओके सो इसका कोड है R11.10 T36.0X5A, ओके। देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 40, सो 40 में प्री स्पीक्यूसिस अनस्पेसिफाइड ईयर H91.10। देन नेक्स्ट 41 डायबिटिक पोलीन्यूरोपैथी रिपीटेड क्वेश्चन है, ओके मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है इस पूरे 50 क्वेश्चन में से, मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है, सो इसका कोड है E11.42। देन डायबिटिक पोलीन्यूरोपैथी, ओके देन 42 रूमेटिक कोरिया विदाउट हार्ट इन्वॉल्वमेंट, ओके सो इसका कोड है I02.9।
देन नेक्स्ट 43 हीमोपेरिटोनियम K66.1 डायरेक्ट कोड है इसका। देन नेक्स्ट 44 स्प्रेन ऑफ अनस्पेसिफाइड लिगामेंट ऑफ राइट एंकल इनिशियल इनकाउंटर यस 93.401E। देन नेक्स्ट 45 निमोनिया ड्यू टू सीडोमोनास ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ ये। ओके सो इसका कोड है J15.1। देन नेक्स्ट 46 क्रोनिक इस्टोजियन सेल्पिंजिटिस बायलेटरल इसका कोड है H68.023। ओके देन नेक्स्ट 47 अनस्पेसिफाइड इंजरी ऑफ हेड सब्सिक्वेंट इनकाउंटर सो सब्सिक्वेंट के लिए लास्ट डिजिट डी आता है, इनिशियल इनकाउंटर के लिए ई आता है। ओके ये याद रखना है। देन 48 क्वाड्रिप्लेजिया C5 C7 कंप्लीट। ओके सो ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ओके रिपीट क्वेश्चन है, इसका कोड है G82.53। देन नेक्स्ट 49 पोस्ट ट्रोमेटिक हाइड्रोसिफेलस अनस्पेसिफाइड। ओके सो इसका कोड है G91.3। एंड लास्ट 50 क्वेश्चन क्रोनिक पोस्ट रूमेटिक अरिथमिया राइट रिस्ट। ओके सो इसका कोड है M12.531। ओके सो गाइज इस तरह से हम लोगों ने इम्पोर्टेंट रिपीटेड ICD-10-CM के क्वेश्चंस देखे। ओके सो बहुत सारे मेरे पास अभी भी पढ़े हुए हैं, ओके लास्ट ईयर उसके लास्ट ईयर के। ओके सो पूरा बंच मेरे पास है। ओके सो वन बाय वन हर टॉपिक पे मैं एक एक बड़ा बड़ा वीडियो बनाऊंगा, सो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ओके सो और गाइडेंस भी मिलेगा, और आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, और जो भी प्रॉब्लम है जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। ओके सो थैंक यू वेरी मच गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। ओके सो जिसको जो भी CPC कर रहा है उसको शेयर करिए। ओके थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय।